आधे घंटे के भीतर एक के बाद एक 24 ट्वीट्स करने के बाद सिंगर सोनू निगम ने ट्विटर से नाता तोड़ लिया। ट्विटर छोड़ने से पहले सोनू निगम की ओर से किए गए इन ट्वीट्स में उन्होंने बताया कि ट्विटर को अलविदा कहने का फैसला वो क्यों ले रहे हैं। सोनू ने अपने पहले ट्वीट में लिखा कि आप मेरे ट्विटर हैंडल का स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मैं अपना अकाउंट जल्द ही बंद करने जा रहा हूं। इसके साथ ही सोनू ने कुछ सवाल भी उठाए और इस सोशल प्लेटफॉर्म को छोड़ने के अपने कारण गिनाए। सोनू निगम ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए लिखा कि कुछ लोग मेरे इस कदम से बेहद खुश होंगे। साथ ही सोनू ने लिखा कि इस देश में सोते हुए लोगों को जगाने की आजादी है, लेकिन सोने का नाटक कर रहे लोगों को कोई कुछ नहीं कह सकता। इस बीच सोनू निगम मीडिया पर भी निशाना साधने से नहीं चूके। सोनू ने लिखा कि मीडिया भी दो गुटों में बटा हुआ है और गद्दारों का इतिहास देखने के बाद भी कुछ सीखा नहीं है, और मैं ये देखकर भी हैरान हूं कि कुछ लोग एक ओर से आप पर प्यार बरसाते हैं तो दूसरी ओर युवा तक टेररिस्ट की तरफ पेश आते हैं। इसके बाद सोनू ने ट्विटर के बारे में लिखा कि इसने सोशल मीडिया का चेहरा काफी हद तक बदला है, लेकिन ये इससे बेहतर प्लेटफॉर्म साबित हो सकता था। इस बीच सोनू ने ट्विटर की तुलना किसी थिएटर में पॉर्न दिखाए जाने से करते हुए लिखा कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ट्विटर पर सभी लोग इतने गुस्से में क्यों हैं। सोनू निगम के ट्विटर छोड़ने की एक और वजह उनका सिंगर अभिजीत को सपोर्ट करना भी है। इस बारे में सोनू ने लिखा कि आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल के चलते सिंगर अभिजीत का अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन जिन लोगों ने अभिजीत को भड़काया उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर ऐसे लोगों के खिलाफ भी कोई कदम नहीं उठाया जाता जो अक्सर लोगों को गाली लिखते रहते हैं। सोनू ने अरुंधति राय पर लिखते हुए बताया कि अगर उनको कश्मीर मुद्दे पर अपनी राय रखने का हक है तो इस बात पर नाराज होने वाले भी अपनी बात इस प्लेटफॉर्म पर खुलकर रख सकते हैं। सोनू निगम जी समर्थन में दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने सामने से अपना अकाउंट क्विट किया है और अभिजीत भट्टाचार्य को अपना सपोर्ट एक्सटेंड करते हुए दिखाई दे रहे। उन्हें हक है सपोर्ट करने का, उन्हें हक है अपनी बात कहने का, उन्हें हक है ट्विटर क्विट करने का, बिल्कुल हक है, वो कह सकते हैं। अगर उन्हें कोई ऐसी बात लगी है ट्विटर की जो ठीक नहीं है तो उन्होंने अपनी आवाज उठाई है उसके खिलाफ, उसमें कोई बुराई नहीं है। बस मेरा तो ये कहना है कि सोनू निगम हो या अभिजीत भट्टाचार्य हो, बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत इनकी लोकप्रियता है, बहुत इनका नाम है। अब ये ऐसी बातें करें कि जिससे टूटे हुए दिल जुड़े, कलाकार जो है वो दिलों को जोड़ता है, वो लोगों को करीब लाता है। सोनू ने अपने ट्वीट में लिखा कि यहाँ कोई बैलेंस नहीं है और इस वजह से वो ट्विटर को अलविदा कह रहे हैं, साथ ही उनको कोई सफाई देने आने के लिए यहाँ वापस आने की भी जरूरत नहीं है। बता दें कि सोनू निगम ने पिछले महीने अजान की आवाज से नींद टूटने को लेकर कई ट्वीट किए थे, जिसके बाद वो विवादों में घिर गए थे और तब उन्होंने एक मौलवी द्वारा दिए गए चैलेंज को पूरा करते हुए अपने सिर के बाल तक मुंडवा लिए थे, लेकिन इस बार अभिजीत का साथ देते हुए उन्होंने ट्विटर को अलविदा ही कह दिया। बता दें कि ट्विटर पर सोनू के 7 मिलियन फॉलोअर्स थे। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।